अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप सबके लिए मैं एक छोटी सी खुशखबरी लाया हूं। जैसा कि आपको पता था कि मुझे एक माइक की सख्त जरूरत थी वीडियोस, आउटडोर वीडियोस बनाने के लिए, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माइक ले लिया है और वो माइक है बोया M1। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाया हूँ, अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो बोया M1 मैं लेकर आया हूँ, लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि ये कॉपी है, मुझे ओरिजिनल नहीं मिला। तो वो भी यही बोल रहे थे कि पाकिस्तान में मोस्टली ज्यादातर जो है कॉपी ही चल रही है, ओरिजिनल नहीं चल रहा। हमें इसकी क्वालिटी और इसकी पायदारी से मतलब है। अगर हमें ये कॉपी, यानी कि ये कॉपी ब्रांड है, ये अगर हमें क्वालिटी और पायदारी अच्छी दे रहा है तो हमारे लिए यही एक नंबर है, ये कॉपी नहीं है। अगर हमें जो ओरिजिनल है एक नंबर बोया M1 का जो माइक है, अगर वो हमें क्वालिटी और पायदारी नहीं देता तो उससे हमें ये फिर बेहतर है। तो हमें तो क्वालिटी और पायदारी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के हुक्म से हमें क्वालिटी और पायदारी दोनों चीजें देगा। तो अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ, हम अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। जी तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले एक छोटी सी इसमें थैली है, इसमें भी देखते हैं क्या क्या है, और इसके बाद ये एक बड़ी थैली है, इसके बाद इसके अंदर और ये ओनर मैनुअल है और ये इसका वारंटी कार्ड है। ये तो ये इसका वारंटी कार्ड है इसके अंदर, और ये इसका ओनर मैनुअल है ये वाला। तो अभी ये सबसे पहले हम ये बड़े वाली थैली खोलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। जी तो ये थैली को हम साइड में रख देते हैं। ये आ गया जी हमारा माइक, ये माइक है, इसमें ये छोटी सी डिब्बी लगी हुई है, मुकम्मल खाली वायर है, और ये भी इसके अंदर वैसे ही है। तो अब इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर हमारे पास एक फोम है, ये एक छोटी सी बैटरी है सेल नुमा, और ये प्लग है। ये मोबाइल फोन में ये जो प्लग है मोबाइल फोन में ये यूज नहीं होता, ये किसी और अदर सिस्टम में यूज करना हो ना तब ये यूज होगा। और ये क्लिप है छोटा, तो अभी हम इसको फिट करके भी आपको दिखाते हैं कि ये कैसे कैसे फिट होना है। ये जो छोटा फोम है ये इसके ऊपर लगेगा, ये इसके ऊपर इस तरह लग जाएगा, ये देखें ये लग गया, और ये जो है छोटा क्लिप ये इसके इधर लगेगा। ये देखें ये इसके ऊपर लग गया, ये अब कॉलर माइक बन गया, इसको आप हम इधर कॉलर के ऊपर इस तरह लगा सकते हैं, ठीक हो गया। और ये जो छोटी बैटरी है इसको हम इसके अंदर डालेंगे, इसको हम इस तरह खोल लेंगे, ये इसके अंदर सेल की जगह है ये वाली, इसको यहाँ पर हम इस तरह से लगा देंगे। वैसे मोबाइल फोन के अंदर इस बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती, इसकी जरूरत जब हम किसी अदर सिस्टम में लगाएंगे, फॉर एग्जांपल हम DSLR के साथ लगाते हैं, या जो होते हैं सिस्टम दूसरे स्पीकर्स वाले बड़े सिस्टम, जब उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो तब इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन मोबाइल फोन में हमें इस बैटरी की और इस प्लग की, इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो अभी हमने इसके अंदर सेल लगा दिया, अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो इस सेल की वैसे खास जरूरत नहीं पड़ती है मोबाइल फोन के साथ, बल्कि इसी मोबाइल फोन के साथ बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका ये एक छोटा सा इसमें हमें बटन दिया गया है, ये वाला बटन, इस पे आप देख सकते हैं ये ऊपर लिखा हुआ कैमरा और नीचे लिखा हुआ है ऑफ स्मार्टफोन, यानी कि जब हम स्मार्टफोन के साथ यूज करेंगे तो इसको हम नीचे कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अगर हम कैमरा जैसे DSLR कैमराज वगैरह हो गए उसके साथ यूज करेंगे तो इसको हम इधर ऊपर कर देंगे, ऑन कर देंगे। इसको हम अभी नीचे ही रहने देंगे क्योंकि हमने अभी सेल फोन के साथ इसको इस्तेमाल करना है। और ये बकाया प्लग हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमने मोबाइल फोन के साथ इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा बकाया ये ओनर मैन्यूअल आ गया, ये सब कुछ आ गया। तो अब मैं आपको इसकी वॉइस की क्वालिटी भी लगाकर, अपने मोबाइल के साथ लगाकर आपको इसकी वॉइस क्वालिटी भी बता देता हूँ कि इसकी कैसी है। जी तो अभी हमने ये माइक को लगा लिया है, अभी मैं इसकी आपको वॉइस क्वालिटी सुनाने लगा हूँ। जी तो दोस्तों अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं वो इस माइक की है, तो उम्मीद है कि इसकी आवाज अच्छी होगी और इसकी क्वालिटी अच्छी होगी और पायदारी भी इंशाल्लाह लाइफ टाइम चलेगा, मुझे उम्मीद है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप ये सोचेंगे अगर मेरे पास पहले माइक नहीं था तो मैंने आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी वीडियोज बनाई,
इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में, मेरे पास माइक है और इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो जो है वो मेरी स्टैंड पर होने वाली है। मैं ट्राईपॉड स्टैंड भी लेने वाला हूँ, अभी मैंने इसके लिए मोबाइल स्टैंड भी ले लेना है। कल आपके लिए इंशाल्लाह जो वीडियो बनानी है वो स्टैंड की होगी। स्टैंड और ये माइक, इन दोनों चीज़ों की मेरे पास कमी थी, ये दोनों चीज़ें मेरे पास कम्प्लीट हो गई हैं। तो आपके लिए इंशाल्लाह ऐसी ऐसी वीडियो चलाऊंगा कि आपको किसी ने ना दिखाई होगी। बस एक DSLR कैमरे की मुझे जरूरत है, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी ही ले लूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपने भाई मोहम्मद समीउल्लाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।